मुरादाबाद के कांट विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार चुन्नू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने घर पर ही अपना को होम क्वारंटाइन कर लिया था। साथ ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर मुरादाबाद नागरिकों से अपील की है कि आप सब लोग कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीजेपी विधायक ने अपना वीडियो जारी कर लोगों से पंचायत चुनाव में कोविड 19 की गाइडलाइन पालन करने की अपील करी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कांट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश कुमार चुन्नू और उनका बेटा विक्रांत सिंह ने अपनी कोरोना टेस्टिंग कराई थी, जिसमें पिता पुत्र दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बीजेपी विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पंचायत चुनाव में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील करी है। विधायक द्वारा कोरोना काल में भी जनता की मदद करने के लिए प्रतिदिन अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में आ रहे सभी फरियादियों की समस्याएं सुनते थे और इन सभी समस्याओं का निस्तारण कराते थे। विधायक द्वारा कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन भी किया गया था। विधायक राजेश कुमार चुन्नू द्वारा अपनी वैक्सीनेशन भी कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। जनता से यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग अपना ख्याल रखें और पंचायत चुनाव में कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करें। जनता वो मेरे मित्रों को मेरी राम राम। मुझे कुछ दिन पहले मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसलिए मुझे घर पे ही आइसोलेट होना पड़ा। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मैं क्वारंटीन समय पूरा होने के बाद ही आपके बीच आ पाऊंगा। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसलिए हमें अपने काम के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी चुनाव लड़ने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।